हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत में बवाल। मुंगेर के चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लालू यादव पर अधिक बच्चे पैदा करने वाले विवादित बयान को लेकर नीतीश कुमार सीधे महागठबंधन के निशाने पर आ गए हैं। राजद की प्रदेश प्रवक्ता एजा यादव तथा एजाज अहमद ने बयान जारी कर नीतीश कुमार को मानसिक दिवालिया बताते हुए अति पिछड़ा समाज का दुश्मन भी बताया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ये बोली है, ये जो भाषा है गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के लिए, ये अमर्यादित है, असंसदीय है, असंतुलित है और इस बोली और भाषा को राष्ट्रीय जनता दल जरा भी तजब्बू नहीं देती है। मैं तो कहूंगी जो नीतीश कुमार जी के चहेते सलाहकार हैं, अगर आपको जरा भी सहानुभूति है नीतीश कुमार जी पे, तो उनको ले जाए, लंदन ले जाए, दिल्ली ले जाए और डिमेंशिया का इलाज करवाए और चुनावी सभा में जाने से रोकें। शायद इसी वजह से बीजेपी वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनावी सभा में ले जाने से मना कर दिए हैं, रोक दिए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप संभल जाएं और अपना इलाज कराएं, चुनावी सभा को छोड़ दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस भाषा का इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से शोभनीय नहीं है। और इस तरह के जो बयान सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खेमे की बेचैनी और बौखलाहट स्पष्ट रूप से लोगों के बीच सामने आ गई है। कल जो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जब जनता का फीडबैक सामने आया, तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की बेचैनी, इस तरह की भाषा जो अमर्यादित है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि भाजपा और जदयू को, एनडीए को अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि तेजस्वी जी के प्रति जो जनता का विश्वास है, तेजस्वी जी के प्रति जो जनता का समर्थन है और तेजस्वी जी ने जो 17 महीनों में कार्य किए हैं, उन कार्यों का जवाब एनडीए के पास नहीं है, नीतीश जी के पास नहीं है। इसीलिए वो व्यक्तिवादी और व्यक्ति के साथ साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक मंशा को स्पष्ट कर दिए और उनके द्वारा इस तरह की भाषा के बाद अब एनडीए के नेता स्पष्ट करें कि क्या राजनीति में इसी तरह की भाषा इस्तेमाल की जाएगी, क्या राजनीति में इसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या राजनीति इसी तरह से व्यक्तिपरक हमला का एक हथियार बनेगा। इस तरह की बोल और इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी के स्तर से कहीं से भी उचित नहीं है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।